ओ भाई साहब, छोड़ता नहीं है कुछ भी। ये देखो गाइस, ये पलट दिया केक। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मदर्स डे। आप सभी की मम्मियों को और मेरी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। मम्मी के लिए मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूँ और आप सब भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जरूर आना अपनी मम्मी के लिए। और मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर तक। अभी जस्ट मैं सो के उठाऊँ और पूरी धूप निकल चुकी है बाहर, देख लो एक बार आप। और मेरा मानना है कि पहले बाल बहुत बड़े हो गए हैं, बाल कटवा के आऊँ, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है और बाल अगर इतने बड़े रख लो ना ऊपर से तो भाई बहुत पागल हो जाता हूँ मैं सही में, क्योंकि अंत लेवल के पसीने आते हैं मेरे। और ये पीछे आप देख रहे हो, ये मैं लेके आया था बंजारा मार्केट से। अभी तक इसको स्टार्ट नहीं करा है और ना इसको यहाँ पे लगाया है, प्लेस करा है। वो प्रोसीजर अभी चलता रहेगा काफी दिनों तक, लंबा प्रोसीजर है क्योंकि इतना आसान नहीं है कोई कमरे को ट्रांसफॉर्म करना। आप सब सोच रहे हो यार बाल ऐसे करके क्यों आ गया हूं? लेकिन मैंने इनको सेट करने की कोशिश की है, अभी कंघी से सेट नहीं हो रहे। सो के उठता हूं तो बाल मेरे ऐसे ही हो जाते हैं सुबह सुबह। अभी चलते हैं बाहर और जाके कटिंग कराते हैं सबसे पहले। भाई साहब, मम्मी यहाँ पे कपड़े धो रही है, मदर्स डे की शुरुआत हो चुकी है ऐसी। आपको पता है मम्मी मदर्स डे आज? इधर आओ, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे आज आपको? क्या दिलाएगा आप बताओ, जो आप बोलो। पैसे दे देना मुझे गिफ्ट के लिए। अच्छा, मैं पैसे लूंगी, गिफ्ट तो दिलाएगा। तो आपके पास ही होते पैसे, मैं कहां से पैसे लाऊंगा मम्मी? बहुत पैसे लेके बैठी नहीं है मेरे। तो पैसे से ज्यादा गिफ्ट तो। आपने मेरे को दिया आज तक गिफ्ट कोई? पहले बताओ। बर्थडे गिफ्ट दिए थी। बर्थडे गिफ्ट के अलावा कोई गिफ्ट दिया है आपको? तो दो दो गिफ्ट हो गए, एक बर्थडे पे एक मदर्स डे पे, और मेरे को तो एक ही बार मिला अभी तक। आप मेरे को पूरे साल में एक बार गिफ्ट दो, और आपको मदर्स डे पे भी मिलता है और ये बर्थडे पे तो मिलता ही मिलता है खैर, और बीच में भी कभी कभी हो जाता है। अभी मैं ना मैं बाल कटाने जा रहा हूँ। गाइस पहले चल के ना बाल कटा लेते हैं, फिर जाएंगे मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। जस्ट अभी मैं कटिंग करा के वापस आया हूँ और बाल मेरे सही काटे हैं उसने, लेकिन यहाँ मूंछों में थोड़ी सी गलती कर दी यार। मेरे को मूंछ ना इतनी ज्यादा ऊपर पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर काट दी उसने। बट कोई बात नहीं, अब दो दिन लगेंगे इसको बढ़ने में। खैर अभी मैं बालों में लगाऊंगा ये मुल्तानी मिट्टी है, और गर्मियों में, और इसमें डला है गुलाब जल। भाई मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में बहुत जरूरी है, और आजकल मैं मुल्तानी मिट्टी से ही अपने बाल धो रहा हूँ, तो पूरे बालों पे लगाऊंगा। इतना शैम्पू करने के बाद आपके सिल्की नहीं होते होंगे जितना मुल्तानी मिट्टी को लगाने के बाद होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिल्की और नेचुरल प्रोसेस से बाल क्लीन भी हो जाते हैं। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे वो ऋतिक रोशन था ना, वो धूम में जो वो चोरी करने जाता है एक में, वो पूरा स्टैचू बन के खड़ा होता है, बिल्कुल सेम लग रहा है। लेकिन एक बात बोलूं भाई, इसको लगाने के बाद ना, अभी तक गर्मी लग रही थी, इसको लगाने के बाद पंखे के नीचे बैठा हूँ और ठंड लग रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना। वो कहते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग, ये सेल्फ पैम्परिंग के लिए भी है, क्योंकि यार आपको लगा के दिमाग जो गर्म हो रखा होता है ना, उसको इतनी ठंडक मिलती है और बहुत मज़ा आता है भाई। ट्राई करना। अभी जस्ट मैं बैठा हुआ था अपना सिस्टम खोल के और कुछ चीज़ें देख रहा था, और मुझे एक बहुत ही पुरानी चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। पहले इसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी। ओए होए होए, एक्सप्रेशंस चेक कर लो गाइस, ये मैं ही हूँ। तो कबीर सिंह के टाइम की है ये, और उस टाइम पे मैं कहीं पे किसी का शूट कर रहा था, और उस टाइम पे जस्ट फॉर द शॉट ये मैंने सिगरेट यूज की हुई है इसमें। और कबीर सिंह का ना नेक्स्ट लेवल क्रेज था, लेकिन भाई इंटेंस एक्सप्रेशंस दिए मैंने इसमें ना। थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाता हूँ जब ये गेट खुलता है, और भाई टाइमिंग देखो जरा एक बार। और आपको एक फैक्ट बताऊँ, ये जो गेट यहाँ पे खुल रहा है ना, ये गेट अपने आप थोड़ी खुला है, नीचे दो बंदे बिठा रखे थे, एक बंदा यहाँ बैठा था, एक बंदा यहाँ बैठा था, उसने पकड़ के गेट खोला था। और कबीर सिंह आके चली भी गई, लेकिन लोगों की वो आदत नहीं जा पा रही। कई लोगों ने सीरियसली सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत कूल लग रहा था कबीर सिंह को देख के। भाई साहब बहुत बेकार सीन हो गया, मम्मी ने सारे कपड़े धो के टंकी का पानी बिल्कुल कम कर दिया, और टंकी में पानी ही नहीं आ रहा है, पानी आएगा तो मुंह धुल पाएगा यार। ये बहुत सीन हो गया भाई, पूरा मुंह सूख गया, टाइट हो गया, खाना खाना था मुझे, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, और इतना सारा था वैसे भी नहीं उतर पाएगा, नहाना था मुझको यार, पूरा पानी। अरे यार इतना सारा सामान लगाने के बाद नहाऊंगा कैसे मैं? तो गाइस नहाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था, और थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। ये इतना शरारती है, इसने ये पूरा गिराने की कोशिश की थी, और सिर्फ इसको ही नहीं गिराना चाहता, ये शीशा भी गिरा देता है, और एसी का बटन तो इसका बहुत फेवरेट है। कितना शैतान बच्चा है, बहुत शैतान हो गुरु आप, बहुत शैतान। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एसी का बटन बंद कर दो। सुबह से कम 10 बार पूछ लिया है कब लेके आ रहा है गिफ्ट, कब लेके आ रहा है, और अब क्या हो गया, देना नहीं था क्या मेरे को? देना तो था ही मम्मी, देना क्यों नहीं था भाई, मैंने पसंद कर लिया ना सूट इसमें से देखा। तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन सूट सिलेक्शन चल रही है, दो मंगा लो क्या शीश? दो मंगा लो, चलो आपको लग रहा है तो दो मंगा लेती, एक ये वाला मंगा लेती हूँ। ये सही में अच्छा लग रहा है आपको? कॉटन का है ना, गर्मी के मतलब का। इन दोनों कितना एक्सेल आएगा, ट्रिपल एक्सेल आएगा आपको?
ये अभी मैं जयपुर गया था और जयपुर से मैं मम्मी के लिए सूट लेके आया था। वहाँ से मैं क्या लेके आया था, एक्सेल लेके आया था। एक्सेल लेके आया था, मेरे को डबल एक्सेल कर दी भाई। एक्सेल लेके आया था और मम्मी को वो नहीं आ पाया, उसका पजामा ही नहीं आ रहा था मुझे। इस वास्ते तो मौसम इतना बढ़िया हो गया है ना, बाहर हवा चलने लगी और पूरा दिन इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है। और ये वाला जो कमरा है ये छत पे है तो पूरा दिन अंदर गर्मी बनी रहती है। मम्मी पानी नहीं दिया पौधों को। सो गाइस एक गिफ्ट तो मम्मी का मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा केक लेके आया जाए। हालांकि मम्मी को फ्लावर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन स्टिल एक बार ट्राई करके देखते हैं मम्मी कहती क्या है इस चीज के ऊपर। हेलो मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। क्या लेके आया ये? और ये तो देखा ही नहीं आपने, क्या लेके आया ये? ये देख नहीं आपको क्या है ये? फ्लावर क्यों लेके आया, पैसे क्यों खराब किए? फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स होते हैं। उसको दिखाओ, उसको इतना अच्छा लग रहा है। कोई होता देखो, ये मामा क्या लेके आए, देखो ओए देखो। एक काम करो, पापा को दे दो यार, ये लो पापा को दे दो। ये लो तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया। सही बताना, पापा को कभी दिए फ्लावर आज तक? ये पापा ने आपको दिए? नहीं दिया ना, पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं दिया। पहले देते ही नहीं थे एक दूसरे को। मैंने खुद नहीं दिया आज तक किसी को। चलो पापा को पकड़ा दो, ये लो। थैंक यू। पापा को देना चाहिए था ऐसे मदर्स डे का गिफ्ट। अब एक काम करो आप, वापस दे दो, हो जाएगा अल्ले का बदला। पापा दे भी रहे भाई, तूने लेना ही है, मेरे गुरू का ये। एक काम करो, पहले कपड़े तो चेंज कर लो, केक तो काट लो। मम्मी रेडी होके आ गई है और मम्मी ने केक भी देख लिया है, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया था। गाइस एक बार केक देख लो, इस पर लिखा है मेरी माँ और ये आंटी बनी हुई है बीच में। ये आपकी फोटो है, मैं देख लो। बस चश्मा नहीं है इसके हाथ में। हाँ इसको बाहर निकालना है केक को। मैं चलो मैं निकालता हूँ आज। ओए 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 ओए, इसको तो पकड़ना, दो मिनट इसको पकड़ो। क्या थैले के अंदर वीडियो बना रहा है? केक तो बाहर निकाल। केक निकाल रहा हूँ, एक सेकंड यार। ये हटेगा पीछे से, ये छोटा सा शैतान छोड़ता नहीं है कुछ भी। ये देखो गाइस, ये पलट दिया केक भाई साहब, केक ही पलट दिया इसने पूरा। इतना शैतान है भाई। कोई बात नहीं, चलो इसको पलटाओ और जो बचा था उसको काटते हैं हम। केक ही तो काटना है। केक का देख जन लड़के। नहीं नहीं, आंटी बची हुई है अभी भी, आंटी बची हुई है, देख लो एक बार। भाई साहब बहुत शरारती है, इसके सामने एक सेकंड के लिए भी कोई चीज नहीं रख सकते, वरना ये तहस नहस मचा सकता किसी भी चीज को। आप काटो बेटा, पहले अनऑफिशियली काट दिया आपने, पूरा केक काट दिया अनऑफिशियली। अब हंस रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे कर दे एक बार चिल्ला के, पुरू बोलेगा हैप्पी मदर्स डे। चलो क्लैपिंग, ऐसे ही बोलना, ऐसे बोलना हैप्पी मदर्स डे। एक सेकंड छोड़ दे भाई, मेरी बारी है अब। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। ये लो भाई। थैंक यू भाई। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन टाइमली जो बंदा फ्रिज में पानी की बोतल नहीं भर के लगाएगा ना, उसके लिए तो भाई बहुत ताने तैयार है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। पानी की बोतलें टाइमली भर के लगाते रहो, वरना हालत खराब हो जाएगी ताने सुन सुन के। नहीं और क्या, खाली बोतलें इधर उधर पटकते रहते, एक बंदा ही थोड़ी नहीं भरेगा, सारे जने पानी। पानी की बोतल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे काम छोड़ के पानी की बोतलें भरो। इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।